अनुष्का की, और मतलब अनुष्का की फिक्र तो हो रही थी कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, अब तक घर क्यों नहीं आई है। ऊपर से वीर आके जब जैसे ही रजत का नाम लिया, वीर बोलता है रजत के साथ, तो फिर मैं उसको थोड़ा बोली थी अच्छा तुम इतने जेलस टाइप के इंसान हो, मैं अनुष्का को बता देती हूँ अभी से ये बात, में वो अवेयर हो जाए, ऐसे थोड़ा उसको चिढ़ा भी रही थी। वैसे वीर से देवयानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो एक नॉर्मल अच्छा सा लड़का लगता है, बट अभी अनुष्का का इतना सब कुछ हो गया है, प्यार है, तो अनुष्का कहती है कि जिस चीज़ में तुम खुश नहीं रहने वाली हो, वो अगर वो चीज़ तुम आगे बढ़ाई क्यों रही हो, क्यों सैक्रिफाइस कर रही हो, माना कि पापा को पसंद नहीं है, बट थोड़ा टाइम लो, ज़रूरी नहीं कि अभी शादी करनी चाहिए, अकेली रहो, तो देवयानी का वो स्टैंड है, बट पता नहीं अनुष्का ऐसा क्यों कर रही है। देवयानी तो क्वालिटी वाइज भी और ट्रू लव के हिसाब से भी रजत को ही बोलेगी कि रजत को चूज़ करो, क्योंकि इतना देवयानी ने अपना लव भी सैक्रिफाइस किया ना अनुष्का के लिए, रजत के लिए। वो सोच रही है कि मैंने इतना सब कुछ करने के बाद अगर इसको रजत के साथ रहना ही नहीं था तो इतना सब कुछ क्यों बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ। तो देवयानी जो डेफिनेटली चाहेगी कि वो रजत के साथ रहे, वीर को भगाने के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि एंड ऑफ द डे वीर उसको फोर्स नहीं कर रहा है, अनुष्का ही उसको हाँ बोल रही है, अनुष्का ही हर चीज़ के लिए करी, तो उसमें वीर की कोई गलती नहीं है ना, बट स्टिल थोड़ा बहुत मस्ती, डिसीजन भी उसी का है, जिद्दी भी है वो, तो सारी चीज़ें भी है।